ठंडी का मौसम चल रहा हो, ठंडी में भैया गुड़ खाएगा आनंद है, दूसरा होता है कि गुड़ गर्म होता है फिर सर्दी लगती होती नहीं, भैया गुड़ का काढ़ा अगर पियो तो आनंद है। आज हम गुड़ के क्षेत्र महान मतलब जहाँ से गुड़ पैदा होता है, गुड़ कैसे बनता है दिखाएंगे। पहले तो बैल से कोल्हू चलता रहा लेकिन अब मशीन से कोल्हू चल रहा, देख ली उधर। तो मैं इस समय बैटेरिया में हूँ तो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कैसे मथा जा रहा है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये जो आपको दिखा रहे हैं ये लास्ट है, यहीं से देख लीजिए मथाई हो रही है। उसके बाद इस गुड़ को इसी से निकाल कर इसमें यहाँ पर डाला, यहाँ पर ये जमता है, जमने के बाद ही इसको बाहर निकाला जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर जब जमता है इन्हीं के सहारे इनको जो है इन्हीं से के सहारे बाहर निकाला जाता है, तब उसके बाद बाहर जाकर गुड़ जो है सांचे बने होते इधर, ये देख लीजिए सांचे हैं, इन्हीं सांचों में डाला जाता है, जैसे बर्फी के पीस नहीं होते हैं जो डिब्बों में पैक होते हैं उनके लिए, बाकी जो गोल होते हैं उनको तो हाथों का प्रयोग कहता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये कढ़ाइयाँ हैं, ये पत्थर में हुई कढ़ाइयाँ हैं, यहाँ पे पहले फिटर होता है फिर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद फिर वहाँ पर, उसके बाद आखिर में, मतलब तीन प्रक्रिया करने के बाद ये गुड़ आखिरकार तैयार होता है। हमारे साथ एक दादा हैं, दादा क्या नाम है आपका? प्रेम सागर यादव। दादा कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से पहले बैल से सिस्टम था? नहीं नहीं नहीं, इंजन से करते थे, पहले छोटा कोल्हू था 12 इंची, उसके बाद 14 इंची लगाया, 16 इंची लगाया, 18 इंची लगाए हुए हैं। कितने प्रकार गुड़ तैयार करते हैं आप? करीब 3-4-5 प्रकार का है। अच्छा, 4-5 प्रकार का। तो दादा इसकी सेलिंग कहाँ करते हैं आप? यहीं से सेल हो जाता है, यहीं से। हाँ, पहुँचा नहीं पाते, क्वालिटी हमारी मेंटेन है। एक दिन में कितना गुड़ तैयार कर लेते हैं आप? एक दिन में करीब रात दिन मिला करके सादा सब मिला करके 10 क्विंटल तैयार हो जाता है। 10 क्विंटल। अच्छा, इसमें क्या लगता क्या है, कैसे तैयार होता है? ये जूस तो ठीक है, और बाकी क्या लगता है? और इसमें बन भिंडी जो है उसको कोट करके टब में भिगो करके उसका लुआब निकाला जाता है, उसी लुआब से सफाई की जाती है। अच्छा, हाँ। तो ये जो ये पूरा है, ये इसमें कितना आता है लगभग एक बार में? एक बार में करीब वही 35-40 किलो आता है। कितने वर्कर काम करते हैं? 35 वर्कर। चलिए दादा आगे चलते हैं, तो आइए आपको हम दिखा देते हैं कि ये यहाँ पर जो गुड़ तैयार होता है, आइए आपको दिखाता हूँ गुड़ तैयार कैसे होता है। ये गन्ने का रस है, ये यहाँ से डाइवर्ट होता है, ये मशीन है, देखिए यहाँ पर गन्ना डाला जा रहा है, ठीक है, गन्ना डालेंगे इधर, एक मशीन वो, एक मशीन ये, तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर गन्ने का रस इस टंकी में डाइवर्ट होता है। अब इसके नीचे टंकी के नीचे पाइप लगी हुई है, वो पाइप जो है सीधे यहाँ आती हैं कड़ाह में, तो ये जो गंदी पहले वहाँ आते हैं, जो गंदी चीज़ है ये देख लीजिए, इसको छान के इसमें ये डालते हैं, क्या है ये बताइए? भिंडी है, बन भिंडी है। बन भिंडी किस लिए डालते हैं? सफाई करने के लिए। सफाई, गुड़ की रस की सफाई करने के लिए बन भिंडी डालते हैं, जो गंदगी निकलती है उसको डाइवर्ट करते हैं इसमें, इस कढ़ाई में, उसके बाद फिर तीसरे लेयर में, पहला दूसरा और तीसरा, और आखिरी में ये चौथा लेयर जहाँ से गुड़ तैयार होता है, ये यहाँ से गुड़ तैयार था। अब आप देखते होंगे आग कैसे दिया, यही आपको दिखाते हैं फटाफट, जल्दी दिखा देते हैं कि आग का तरीका कैसे होता, आग कैसे, ये जो आप देख रहे हैं गन्ना है, ये गन्ने के सूखी सूखी जो है पत्तियाँ, इन्हीं को जो है जो चूकर डालते हैं इसे, ये देख लीजिए, ये आग की मशीन, ये देख लीजिए, इसको ऐसे करके ये देख लीजिए, झुकाई कर दिया, ये देख लीजिए, देख लीजिए हमने भी झुकाई कर दी है बहुत भाई, ये देख लीजिए यहाँ झुकाई शुरू होती है। तो कितना लग जाता भाई साहब एक दिन में? ये आधा घंटा लगता है। आधा घंटा जी। तो ये दादा ये जो ट्रकों से मंगाते होंगे ये? नहीं नहीं, हाँ यही जो है निकलती है, सुखवा लेते हैं। हाँ, इसी में यही काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो निकलता है गन्ने का जर्रा, ये कितना लग जाता है, जितना ही कितने दिन का है ये? उधर चेहरा देखिए, बस बोलिए बोलिए बोलिए। ये वो स्टॉक लगा हुआ है, हाँ, पिछले साल का, ये जब सूखती नहीं, ये खोई नहीं सूखती तो वो काम लेते हैं। पूरे सीजन चलाते हैं कि कम? बस पूरे सीजन चलाते हैं, करीब वही मई जून तो अप्रैल तक। अप्रैल तक तो गन्ना बाहर से मंगाता हूँ, मंगाने पर तो? हाँ सर, बाहर। कितने रुपये में आपको मिल जाता है गन्ना? 300 में, इस समय 300 में मिलता है। हाँ, फिर धीरे धीरे रेट बढ़ के 350 तक हो जाता है। 350। चलिए दादा, तो ये यहाँ आपको दिखा देते हैं कि जो गुड़ बनाया जाता है वो यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सिरका रखा हुआ है, यहाँ पर रॉब है, जो रॉबिस होती है गुड़ की, यहाँ पर देखो सजा दिए गए हैं। तो अब आपको दिखा देता हूँ ये स्थान लिखा हुआ है, यही है 40 साल का पुराना प्रेम सागर देसी गुड़ कारखाना, यहाँ पर बनाते हैं। क्या देसी गुड़ है? देसी सिरका है, राब है,
तिल सौंठ मूंगफली का गुड़ है, मेवा गुड़ है, काजू किशमिश बादाम छुहार गुरुघर आचार। चलिए हम दीदी इन्हीं से बात कर लेते हैं कुछ। चलिए हम आप दीदी क्या नाम है आपका? अनुराधा यादव भैया। अनुराधा यादव, ठंडी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा गुड़ है जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है इस समय? इसमें सौंठ और मेवे का गुड़। हाँ, उसमें सौंठ में गर्मी होती है ना, तो ठंडी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके यहाँ पर कोई खरीदने आता है गुड़, तो रेट क्या है, कैसे क्या रेट? आप ये जान लीजिए हमारे यहाँ अभी रिसेंटली स्टार्ट जो है वो 500 रुपये केजी से स्टार्ट है, और आपको सबसे कम दाम का गुड़ आपको 40 रुपये केजी का मिलेगा। 40 रुपया? 40। तो 40 रुपये केजी वाला स्टार्टिंग कौन सा है? ये प्लेन गुड़। और ये वाला जो इसी प्लेन फॉर्म को हम लोगों ने क्यूब में कर दिया है, जिससे कि कस्टमर सोचता है ना फोड़ेंगे तो इधर उधर बिखर जाएगा, तो एक क्यूब उठाया खा लिया। इसका रेट क्या है? इसका आप 50 में पा जाएंगे। 50 रुपये में? हाँ, 50 रुपये। 50 रुपये केजी। उसके बाद कौन सा वैरायटी आ जाता है हमारे पास? है प्लेन सौंठ है। कई लोग मूंगफली खाना नहीं पसंद करते हैं, और गर्मी वो ठंडियों में लोग सौंठ लेना पसंद करते हैं, तो हमने गुड़ के साथ ये मिक्स कर दिया ठंडियों में। उसके बाद ये? उसके बाद हाँ, तिल सौंठ मूंगफली का गुड़ है, ये लड्डू फॉर्म में है। इसका रेट क्या है? इसका रेट आप 120 में पाएंगे। 120? हाँ। इसका रेट? इसका रेट 60 में है। 60 120। उसके बाद फिर? इस समय आपको 150 का पड़ेगा। 150 में? इस ये वही सौंठ तिल मूंगफली का गुड़ है। सौंठ तिल मूंगफली पड़ी है इसमें। तो कितनी बिक्री हो जाती है पूरे दिन में? अब ये तो अंदाजा बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि फीडबैक अच्छा है। फीडबैक अच्छा है? हाँ, फीडबैक अच्छा है, क्योंकि भीड़ लगी रहती है। पुराने जमाने का गुड़ था, लोग खाना नहीं पसंद करते थे। जब ये नए फ्लेवर में आया तो आज की जनरेशन भी इसको खाना पसंद करती है। अच्छा, आज की जनरेशन को ठंडी में कौन सा गुड़ खाना चाहिए बता दीजिए? सौंठ वाला गुड़, हम तो कहेंगे सौंठ वाला गुड़ खाना चाहिए। मोस्टली जो स्पोर्ट वाले बच्चे होते हैं, रनिंग करते हैं, जनरली जो बाहर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए सौंठ वाला गुड़ बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए क्योंकि जब भी वो इसे खाते हैं, दिन भर आप बाहर रहते हैं, डस्ट आपके अंदर जाता है, आप सांसों से उसे अंदर लेते हैं, लेकिन जब आप उसे खाने के बाद अगर थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, तो जब मॉर्निंग में कफ या खांसी आती है, तो उस थूक के जरिए वो गंदगी बाहर कर देती है। सौंठ का सबसे बड़ा प्रायोरिटी। तो ये मतलब सबसे बेस्ट है। तो कितनी क्वालिटी का आप गुड़ रखते हैं लगभग? कम से कम हम 10 क्वालिटी का। 10 क्वालिटी? लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि अभी 10 ही दिन हुआ है स्टार्ट कोलू के, तो अभी हमारे पास 3 ही 4 क्वालिटी है, और आने वाले महीनों में कम से कम हमारे पास 7-8 मतलब जो 15 क्वालिटी है वो आ जाती है। चलिए तो आपको दिखा दें कि सौंठ का जो गुड़ होता है फ़ायदेमंद होता है। हम भी खाएंगे भैया, क्योंकि जुकाम होने लगा है। ये देख लीजिए, हम जा रहे थे चुनाव कवरेज करने, लेकिन हमने कहा क्यों ना कवरेज कर ले। देखिए यहाँ पर गुड़ कैसे बनाया जाता है। ये लोग गोल गोल वाला जो गुड़ बनता है भैया, दादा लोग देखो बना रहे हैं। खाए हम लोग हैं, बनाओ दादा है, बनाता कोई और दूसरा, खाते हम लोग। चलिए आप देखते रहिए DUP TV न्यूज़।